Hi everyone, my name is Shivansh Basin. Welcome back to my channel, The Investology. So start करते हैं. आज का दिन अच्छा था. I think पूरे time sideways था, but last hour के अंदर हम लोगों को एक अच्छा momentum देखने को मिला. Now we have to see कि ये momentum sustain होता है या नहीं होता है. कुछ major levels भी break हुए हैं जो हम लोगों ने कल suggest करे थे कि अगर ये होता है definitely we can add more put sellings. हम लोग plan कर सकते हैं और एक naked call option भी buy करके चल सकते हैं. फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 18,600 रुपीज का. अगर ये 18,400 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है. सो लास्ट आवर के अंदर, लास्ट 15 मिनट्स के अंदर ही इट गेव अ ब्रेकआउट इस रेंज के ऊपर. इट गेव अ ब्रेकआउट निफ्टी एंड इट गेव अ क्लोजिंग अबव 18,400 और एग्जैक्ट एट 18,400. सो अब हमें कल ये चीज देखनी है कि वेदर कोई गैप डाउन तो नहीं आता ऑन अ स्टार्टिंग बेसिस. और अगर गैप डाउन नहीं आता और इस लेवल पर सस्टेन करता है, वेदर इज इट सस्टेनिंग फॉर एन आर और नॉट. ठीक है, तो हमें ये चार चीजों को चेक करना पड़ेगा निफ्टी के अंदर. अगर तो ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और बाय चांस लेट्स से कि अगर ये नीचे भी आना स्टार्ट होता है, तो वी हैव सम गुड लेवल्स लाइक दिस जहां पर ये पॉज ले सकता है. सो अगर ये 18,400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ऑन अ डिप साइड ये 18,360 टू 370 तक आ सकता है एंड वहां से भी बाउंस कर सकता है. दैट डजेंट मीन कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो इट्स अ फॉल्स ब्रेकआउट. ठीक है, सो ये चीज हमें एज्यूम करके नहीं चलनी है. अगर ये नीचे तक यहाँ पर भी आकर डिप लेके ऊपर जाता है, देन इट्स अ क्लियर ब्रेकआउट साइन. सो ये चीज हमें ऑब्जर्व करनी है. अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, देन डेफिनेटली हम एक कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं एट द मनी या तो क्लोजर स्ट्राइक प्राइस की फॉर नेक्स्ट वीक के लिए, तो वो हमें ज्यादा एक सफिशियंट पड़ सकती है. ठीक है, एंड लेट से कि एक गैप डाउन ओपनिंग आती है, इसके नीचे कंटिन्यूस ट्रेंड स्टार्ट होता है 18,350 के नीचे, तो हम वहां पे वेट कर सकते हैं. ठीक है, देन हम लोग पेशेंसली वेट कर सकते हैं कि अगर ये इस लेवल के नीचे जाता है, देन एंड देन ओनली विल गो फॉर अ शॉर्ट पोजीशन. अदरवाइज कोई शॉर्ट पोजीशन हम लोग निफ्टी के अंदर नहीं बनाएंगे. ठीक है, एक बार बैंक निफ्टी में दिखा देता हूं आपको. सो बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो था, दैट विल वेट फॉर दिस पर्टिकुलर रेंज टू गो ऑन अ ब्रेक डाउन साइड, देन ओनली विल गो फॉर अ शॉर्ट पोजीशन. अदरवाइज अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेकआउट देता है, दैट इज 42,340 का लेवल एंड इट सस्टेन्स अबव दिस लेवल, देन एंड देन ओनली विल ट्रेड दिस बैंक निफ्टी पोजिशन. ठीक है, सो सेम सिनेरियो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ. एग्जैक्टली दिस इज द पर्टिकुलर लेवल. अगर ये इस लेवल तक भी आता है आफ्टर अ गुड फॉल, मतलब अगर ऊपर जाके भी आता है, देन वी कैन वेट फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल टू बी एक्ट एज अ रिट्रेसमेंट. और अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है बाय confirming any candlestick patterns or reversal patterns, then and then only we can enter in this position with a very good call option. ठीक है, so अभी कुछ time से sideways trend है, I personally think ये up move आ सकती है, एक बड़ी momentum आ सकती है. It's very closer to expiry as well. कल Wednesday, और Wednesday को तो आप लोगों को पता ही है कि बड़ी volatility हमें देखने को market के अंदर मिलती है. ठीक है, because heavy positions बनना start होती है for Thursday expiry. So इसको भी हम लोग watch करके चल सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड. सो मैंने कुछ एज अ स्विंग ट्रेड स्टॉक्स आपके लिए सजेस्ट करे एंड कुछ एक इंट्राडे है. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंट्राडे स्टॉक की, दैट इज SBIN. सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, ये मार्केट ऊपर जा सकती है. ठीक है, तो हम लोगों ने एक SBI का स्टॉक सेलेक्ट करा है. सॉरी, सो लेट्स ओपन अ 1 आवर टाइम फ्रेम. एंड 1 आवर टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं कि एक कंटिन्यूस ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल रहा है. एंड इवन इट क्रिएटेड अ डबल टॉप पैटर्न, उसे फुलफिल नहीं करता, अपने लोअर लोस को ब्रेक नहीं करता एंड इवेंचुअली ट्राइड्स टू गो अप. ठीक है, बस थोड़े बहुत गैप डाउन होते हैं, जो गैप अप गैप डाउन होते हैं, ट्राई टू फिल दैट. सो अभी एक अच्छी मोमेंटम आई, इट गेव अ गैप अप, इट क्रिएटेड अ ट्रिपल टाइप ऑफ सिनेरियो, हेवी रेजिस्टेंस एट द साइड. ठीक है, एक फॉल हमें देखने को मिला इस लेवल पे. जो गैप डाउन था गैप फिलिंग करी, सॉरी गैप अप था गैप फिलिंग करी, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एंड सेम एक डाइवर्जेंस तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है. ऑन आर साइड ऑल्सो अ बुलिश डाइवर्जेंस. 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये 50 के ऊपर भी जा चुका है, विच इज अ वेरी गुड साइन. एंड ऑलमोस्ट डेली चार्ट पे 50 के ऊपर ही आर साइड. सो लेट मी ओपन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर यू. तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है, दैट इज 603 का. इफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक ट्राइज टू ब्रेक 603 एंड इट गिव अ क्लोजिंग ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम इवन above 603, then our next target should be, first let me just show you a second target, that should be around 611, sorry the first target is 611 and the second target should be around 618 to 620. Okay, so that should be this previous swing high.
सो ये हमारा एक एज एन इंट्राडे ट्रेड बन सकता है, तो मेक श्योर टू वॉच दिस पर्टिकुलर स्टॉक। आर नेक्स्ट स्टॉक इज मैकडोवल, ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू, लेट मी ओपन अ वीकली टाइम फ्रेम फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब वीकली टाइम फ्रेम इट गेव अ वेरी वेरी गुड ब्रेकआउट ऑफ अ बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इट ऑल्सो गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट ऑफ अ प्राइस कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। आप चेक करना, यहाँ पे एक बड़ा फॉल आया, द लेवल शुड द रेजिस्टेंस इज सेम, ठीक है, एक बड़ा फॉल आया, आफ्टर दैट एक छोटा फॉल आया, एंड आफ्टर दैट एक और छोटा फॉल आया, एंड इवेंचुअली इट गेव अ ब्रेकआउट ऑफ द सेम रेजिस्टेंस जहाँ से कंटिन्यूस फॉल आ रहा था। इट गेव अ ब्रेकआउट एट दिस लेवल, इट टेक अ रिट्रेसमेंट एंड इवेंचुअली इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। नाउ लेट मी ओपन अ डेली टाइम फ्रेम। सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एज यू कैन सी इट हियर, ये एक लेवल था, ठीक है, आप इसे एज अ कप एंड हैंडल कहना चाहे कप एंड हैंडल कह लीजिए, बट ऑन अ सिंपल टर्म्स इट्स अ प्राइस कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करते रहा, लोस ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहे, बट रेजिस्टेंस सेम रहा, एंड इवेंचुअली इट गेव अ ब्रेकआउट ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल। अब आफ्टर अ वेरी गुड जर्नी, आफ्टर अ वेरी गुड इम्पल्स मूव, इट कम्स इन अ रेंज बाउंड सेशन लाइक अ फ्लैग एंड पोल, बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न, and eventually it gave a breakout above 903-904 levels. So अगर ये कल इसके ऊपर sustain करता है, which I personally think ही sustain करेगा, not in that ये एक overbought overbought levels पे भी है, अभी भी एक अच्छे levels पे हमें मिल रहा है, and I personally think 920 तो कल easily आराम से आ जाना चाहिए, 935 भी levels आ सकते हैं, so make sure to watch this particular stock. Our second stock, third stock is GIC हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, सो लेट मी ओपन अ वीकली टाइम फ्रेम फॉर दिस एज वेल। ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो इट इज ट्रेडिंग इन अ रेंज बाउंड सेशन, एंड इन अ रेंज बाउंड सेशन इट क्रिएटेड अ बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो इट्स अ बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, द ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, एंड आप देख सकते हो आर एस आई इज वेरी पॉजिटिव एट दिस लेवल, तो येस इवेंचुअली वी आर एक्सपेक्टिंग कि विद इन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो we can expect a very good breakout of this level at above 148 levels. So agar ye iske upar jata hai, definitely it's a buy situation, and our first target should be around 156 to 157, our second target should be around 162, and our last target should be around 176 rupees ka, theek hai. So agar ye do chote targets aap logo ko lag rahe hain, to let's call it a range. Is range ke andar we will exit some quantities, and we'll hold 50% of the quantities, but we'll exit 50% of the quantities in this particular range and wait for this target for the next for the remaining quantities, theek hai. Jaise level hit hota hai, we'll mark our stop loss from this level to this, sorry, from this level to this level, theek hai. So main targets and stop loss to aap logo definitely on our telegram channel bata dunga. Aaj I haven't give you any tips or any recommendations because of कि हम लोगों ने जो कल स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे वो एक रेंज बाउंड सेशन के अंदर ही रहे, एंड उस पर हमें अपनी साइड की तरफ कोई भी पोजीशन बनते हुए नहीं देखने को मिली है, ठीक है. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मेक श्योर टू फॉलो अस देयर, बिकॉज वहाँ पे कल वेडनेसडे को बड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो मल्टीपल ट्रेड्स निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में मिल सकते हैं. सो आई थिंक कल आपके लिए एक बेटर और बढ़िया ट्रेडिंग डे बन सकता है, ठीक है. सो मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन द इन्वेस्ट्रोलॉजी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा. फॉलो दिस चैनल एंड डू लेट अस नो इन अ कमेंट सेक्शन व्हाट टाइप ऑफ अपग्रेड्स डू यू वांट, और मैं कुछ मल्टीपल स्विंग ट्रेड्स स्टॉक से रिलेटेड भी अलग अलग वीडियोज अपलोड करा करूँ, या फिर मैं इसी के अंदर आपको बता दिया करूँ. हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, सी यू सून.